क्या आप दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं, नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर नूपुर शर्मा जी की जान को इतनी सी भी खरोंच भी आ जाती है उन्हें, तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा बहुत बड़ा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि खुद RSS और BJP के लोग ही उनको कोई खतरा पहुंचाएं ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठा सकें। डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी, जब तक कि इनकी नौकरियां नहीं ली जाएंगी अदालतों की ऑर्डर्स द्वारा, जब तक ये जेलों में नहीं जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी के मामले में BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, और सिर्फ नूपुर शर्मा को ही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी फटकार इस पूरे मामले में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, कई अहम पॉइंट उसमें जोड़े गए हैं। कहा गया है कि दिल्ली पुलिस तो साहब नूपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रही थी, कहा आप हाईकोर्ट जाइए, जहां जाना है जाइए, हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम आपकी बात कोई सुनने वाले हैं। क्या कहेंगे, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले 2-3 फैसलों से जो निराशा का माहौल एक पैदा हुआ था पूरे देश में, ज़किया जाफरी वाले केस में और उसके बाद अभी महाराष्ट्र के केस से, तो थोड़ी उम्मीद की किरण मैं समझता हूँ जागी है। हालाँकि इसकी मैं तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म करना देश के हर एक नागरिक का फ़र्ज है कोर्ट की अदालतों की जजमेंट्स पे, उसी तरीके से यदि कोई अच्छा काम भी किया जाए तो उसकी तारीफ करना भी एक फ़र्ज़ की तरह से है। तो मैं इसकी लिमिटेड तारीफ भी करना चाहता हूँ इस फैसले की। पूरी तारीफ तो इसलिए नहीं कि इससे कुछ ज़मीन पे लाभ होता नज़र नहीं आ रहा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय को सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन अपना ओपिनियन, एक जो दिल में बात आती है वो रख तो सकते ही हैं। और वो ये बात आती है कि ज़किया जाफरी के केस से और इससे पहले सभी केसेस से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी ज़रा सी भी टिप्पणी अदालत से आएगी, जैसे मेरे वाले खुद केस में जी, एक इनडायरेक्ट टिप्पणी की वजह से ही मेरे खिलाफ ही FIR करके रेड कर दी इतनी बड़ी, तो उसी प्रकार से ज़किया जाफरी में जो तीस्ता शीतलवाद साहिबा के खिलाफ और जो दो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ एक टिप्पणी आई, तो उसके अगले दिन जो अमित शाह साहब हैं होम मिनिस्टर साहब, उनकी एक टिप्पणी आई, तो गिद्धों की तरह से जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके ऊपर टूट पड़े और उनको अरेस्ट करके ही ले गए। तो लेकिन अगर ऐसा ही फैसला कोई RSS और BJP के खिलाफ किसी के ऊपर आता है, के लिए आता है, जैसा कि ये नूपुर शर्मा जी का एक टिप्पणी आई मान लीजिए, अभी कोर्ट का ऑर्डर तो मैंने पढ़ा नहीं है क्या आया है, तो उसके लिए जो पुलिस है वो कंटेम्प्ट भी कर लेगी लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी अदालतों को हमारे मन में जो बात आती है, ये जो ऑर्डर्स करने चाहिए बहुत ही कैटेगोरिकल और साफ और टाइम पीरियड से बाउंड वाले ऑर्डर्स करने चाहिए। अब जैसे नूपुर शर्मा जी के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण एक बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने अभी, कि इसकी वजह से पूरे देश का माहौल, और उदयपुर का भी शायद टिप्पणी की है कि उदयपुर भी नूपुर शर्मा जी की बयान से हुआ है, तो अब ये इतनी बड़ी साजिश है जो ये उदयपुर में हुआ है, इसको तो मैं एक आतंकवादी घटना ही मानता हूँ। तो ये आतंकवाद की घटना है, उसके बाद जो गुड़गांव में हुआ है वो भी उसका चेन रिएक्शन है, वो भी एक आतंकवादी घटना है। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो नूपुर शर्मा जी ने अकेले तो नहीं कराई हैं, नूपुर शर्मा कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, वो एक बड़ी पार्टी की डिसिप्लिन सोल्जर हैं, और उन्होंने वही कहा जो उनसे कहलवाया गया, और उन्होंने ये बात को दोहराया भी, फिर अपना वीडियो जारी करके दोहराया कि प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस मेरे पीछे खड़ा है, होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस मेरे पीछे खड़ा है, और जो BJP के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनका ऑफिस मेरे पीछे खड़ा है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने तो मुझे फ़ोन करके बोला भी कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लोग साजिश करता हुए, ये चारों भी, कम से कम ये चार तो साजिश करता हुए जिनके नाम लिए गए, और कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी है कि पूरे देश का माहौल सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया, तो ये ऑटोमेटिक मुलजिम बनने चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे मन में जो बात आती है, कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक देनी चाहिए कि वो सभी लोग जो इस बड़ी साजिश में देश के खिलाफ शामिल है, तो उसके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये फैसला आता तो मैं समझता हूँ वो पूर्ण फैसला होता। अच्छा, आप तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत से केसेस आपने लड़े भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो लहजा आज सुनने में आया जिसमें साफ साफ तौर पर ये तक कहा गया कि देश में जो आग लग रही है उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है,
ये भी कहा न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नुपुर शर्मा तो खुद एक खतरा है, ये तक लफ्ज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए। तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को बाकायदा तौर पर कटहरे में खड़ा किया गया है इसमें कि आप लाल कालीन बिछाते नजर आए नुपुर शर्मा के लिए? देखिए, इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक तो सिर्फ नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार नहीं है, मैंने अभी अर्ज किया कि ये कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल है उसका नाम नुपुर शर्मा ने बताया। दूसरी बात, उनकी जान को खतरा है ये मैं खुद भी मानता हूँ और उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि खुद ही फुट सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करना कोई किसी पहले युद्ध में नहीं होगा। अगर नूपुर शर्मा जी की जान को इतनी सी भी खरोंच भी आ जाती है उन्हें, तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा बहुत बड़ा। तो उनको मेरे ख्याल से तो और ब्लैक कैट कमांडोज की सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि खुद ये भी पॉसिबिलिटी है कि खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग ही उनको कोई खतरा पहुंचाएं ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठा सकें। कश्मीर के जो पंडित कम्युनिटी है उसको नुकसान पहुंचा के आरएसएस ने कितना राजनीतिक फायदा उठाया ये हम सब जानते हैं। तो पहली मेरी कोर्ट से गुजारिश ये है कि मैं कोर्ट से इत्तेफाक भी नहीं रखता और नूपुर शर्मा जी को और जो क्या नाम है जिंदल साहब को, नवीन जिंदल साहब को और इस प्रकार के दूसरे जो लोग हैं उनको ब्लैक कैट कमांडोज की सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा अब आरएसएस और बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है। ये एक एंगल भी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि सुरक्षा जब किसी को दी जाती है तो उसमें सारे एंगल कंसिडर किए जाते हैं। तो इस एंगल से मैं समझता हूँ उनको सुरक्षा होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, उनके पूरे परिवारों को सुरक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मैं गुजारिश भी करता हूँ। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर मेरा एक सवाल आपसे ये था कि क्या अब दिल्ली पुलिस इस फटकार के बाद कार्रवाई की ओर कोई कदम बढ़ाएगी, क्योंकि नुपुर शर्मा के वकील ने यह कहा था कि हमारी तमाम एफआईआर को मर्ज करके दिल्ली लाया जाए क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है, क्या आप दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं, नहीं करेगी, 100% नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और आदेश के बाद भी मेरा ऐसा मानना है और आप सब लोग देखेंगे 100% नहीं करेगी, क्योंकि ये भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जब तक के इनकी नौकरियां नहीं ली जाएंगी अदालतों की ऑर्डर्स द्वारा, जब तक ये जेलों में नहीं जाएंगे, वरना आप लोग देखेंगे, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, एक लचर कार्रवाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इतना बड़ा माहौल बन गया, शायद कर लें, वो भी शायद का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं स्पेशल सेल को दिल्ली पुलिस की अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे बहुत सारे केसेस हैं जिनके जिसमें मैं उन्हें देख रहा हूँ, बिल्कुल निडर लोग हैं वो, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का, क्योंकि उनके पीछे जो शक्ति वर्धस्त है वो उनको ऐसा बता के रखती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो जब ही जाएगा जब न्यायालय जो है उनके खिलाफ फाइंस लगाएं, उनको जो 166A की कार्रवाई है गलत इन्वेस्टिगेशन करने की, अपराधियों को बचाने की कार्रवाई जब तक अदालतों ने करना शुरू नहीं करेंगी, क्योंकि टिप्पणियां तो बहुत सख्त सख्त होती हैं अदालतों द्वारा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन कागज़ पे कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती और इस बात को वो समझ चुके हैं कि हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कि अदालतें भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 बार सोचती हैं कि कहीं इससे पुलिस के हाथ कमज़ोर होने से कहीं सोसाइटी को या देश को तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इससे हमारा मानना ऐसा है कि अगर भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होंगे तो उससे हमारी न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी, उससे हमारी पुलिसिंग मजबूत होगी, क्योंकि ईमानदार अफसरों की दिल्ली पुलिस में या केश की किसी भी पुलिस में कमी नहीं है, सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को जो कि नाकारा होते हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, जो अच्छे अफसर हैं उनको बुरे पोस्टिंग्स में जाके डाल के सड़ाया जाता है, उनका गुनाह सिर्फ एक होता है कि वो ईमानदार हैं और वो जो अपने भ्रष्ट राजनीतिक आका हैं उनके कहने पे काम नहीं करेंगे। तो अगर ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक फैसले आने शुरू हो जाएंगे कि न्याय के हिसाब से आप कानून के हिसाब से आप संविधान की जिसकी शपथ लेते हो आप उसके हिसाब से काम करोगे, अगर तोड़ोगे तो जेल जाओगे, अगर ऐसे फैसले आने शुरू हो गए तो जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आएंगे फिर सामने, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलेंगी, फिर ऑटोमेटिक अपराध होने बहुत कम हो जाएंगे। आज जो देश में अफरा तफरी का माहौल है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सब ऊँचे ऊँचे अहदों पर बैठे होते हैं और जो ईमानदार लोग होते हैं उनका खून जल रहा होता है दिन रात, उन वो अपने अंदर कुड़ रहे होते हैं और उनको पनिशमेंट पोस्टिंग्स और उनको साइडलाइन करके रखा जाता है। ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है और यही हाल पुलिस का है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं पुलिस के खिलाफ बहुत केसेस करता हूं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, नहीं, मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं पुलिस का,
मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसका, और सबसे बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स का, ईमानदार अधिकारियों का समर्थक हूँ, और उनके लिए मैं अपनी दिन रात एक करके मेहनत भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मगर जो भ्रष्टाचार चार कर रहे हैं, जो अपने भ्रष्ट राजनीतिक आकाओं के कहने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हाँ वो मेरा संविधानिक ड्यूटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के का एक फॉलोअर होने के तौर पे है, उसको मैं पूरा करता हूँ, और मैं अपनी जी जान लगाता हूँ कोई भी भ्रष्ट अधिकारी संविधान तोड़ के, कानून तोड़ के कोई कार्य करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, तो महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत तो किया जा रहा है, खुशी तो है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, कागज़ पर जब तक कोई लिखित फैसला ना आ जाए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के आदेश ना आ जाए, तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता, ना ही स्वीकार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी नहीं रखते कोर्ट से, ऐसा भी महमूद पराचा का कहना है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये कही है कि नुपुर शर्मा को सख्त सुरक्षा प्रदान कर देनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा का कहना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने में अब नुपुर शर्मा पर भी खतरा मंडरा रहा है, और नुपुर शर्मा की जान को इस पूरे मामले में खतरा है, और कौन ऐसा कराएगा उसमें इनके सीधे सीधे जो अंकुश है, उंगली है, वो जा रही है बीजेपी और आरएसएस की तरफ।